discuss nutrition and health. The next topic is minerals. जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मिनरल्स. मिनरल्स क्या थे इन ह्यूमन बॉडी. देयर आर 50 डिफरेंट मिनरल्स आर प्रेजेंट. अबाउट 120 पार्ट ऑफ द मिनरल्स ऑफ द बॉडी वेट कंसिस्ट ऑफ द मिनरल्स इन ऑर्गेनिक सॉल्ट. एग्जांपल है दैट इज कैल्शियम, फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फेट, सोडियम, पोटाशियम. 50 different minerals and 120th part of the body weight is covered by minerals. Example है जैसे inorganic minerals है, example है उनकी calcium, ठीक है, phosphate, sodium, potassium, मैग्नीशियम. जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है अगर वो हमारे लॉस्ट कैसे होते हैं बॉडी में से थ्रू हमारी स्किन से, किडनी एंड फीसेस के थ्रू हमारी जो बॉडी में से वो इलिमिनेट हो जाते हैं, रिप्लेस्ड डेली थ्रू द फूड स्टफ्स. क्लासिफिकेशन क्या मिनरल्स की, दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट है मेजर मिनरल और सेकेंड वन है ट्रेस एलिमेंट्स या फिर मेजर एलिमेंट. सेकेंड वन ट्रेस एलिमेंट्स. मेजर एलिमेंट्स कौन से होते हैं, इंक्लूड जैसे एग्जांपल है कैल्शियम, फॉस्फेरस, सोडियम, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम. That is major elements. And जो ट्रेस एलिमेंट्स है, ठीक है, इसको हम मेजर मिनरल्स भी बोल देते हैं. जो मेनली क्वेश्चन आता है वो मेजर मिनरल्स कहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर मिनरल्स लिखते हैं. सेकेंड है ट्रेस एलिमेंट. ट्रेस एलिमेंट जैसे एग्जाम्पल है आयोडीन, आयरन, फ्लोराइड, क्लोराइड हो गया, क्रोमियम, कॉपर, ठीक है, और हमारा सिलेनियम. ये क्या हमारे ट्रेस एलिमेंट्स है. ये है हमारे ट्रेस एलिमेंट्स. ट्रेस एलिमेंट्स विथ नो फंक्शंस. इसमें जैसे जो ट्रेस एलिमेंट्स है कुछ लेड, मर्करी, बेरियम, बोरोन एंड एल्युमिनियम, उनके फंक्शंस हमें नहीं पता. जिनके हमें फंक्शंस नहीं पता वो हमारे थर्ड कैटेगरी है. लेड, मर्करी, जिनके हमें फंक्शंस नहीं पता वो हमारे थर्ड कैटेगरी ट्रेस एलिमेंट्स के. अब फंक्शंस क्या मिनरल्स के, फंक्शंस है. फर्स्ट फंक्शन है जो मिनरल सॉल्ट आर एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी. बॉडी की मेंटेनेंस के लिए ये जरूरी है. सेकंड है एवरी सेल का ये पार्ट होता है, दे फॉर्म पार्ट ऑफ सेल, जैसे फॉस्फोरस है और आयरन. फर्स्ट है बॉडी ग्रोथ. फॉस्फोरस आयरन है वो क्या एवरी सेल के लिए एसेंशियल है, इसलिए जो मिनरल्स है इनकी हमें नीड पड़ती है. थर्ड है ये हमारे जो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको बैलेंस करके रखते हैं, जैसे सोडियम, पोटाशियम, फॉस्फोरस, क्लोराइड. ये जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है उनको बैलेंस करते हैं. अगर हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, उससे हमारी बॉडी में जो है वो
ब्लड प्रेशर वो डिक्रीज होने लग जाता है, क्योंकि हमें जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है। उसके बाद हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे कैल्शियम है वो क्या बोन एंड टीथ के लिए नेसेसरी है, उनके फॉर्मेशन के टाइम जो है, जो मिनरल्स हैं वो क्या करते हैं हमारी ब्लड में पीएच के लिए वो मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट है जो मस्कुलर और नर्वस डिजीज हैं उनकी एक्सिस्टिबिलिटी को रेगुलेट करने के लिए हम लोगों को मेन जो मिनरल्स हैं वो हमारी बॉडी में नेसेसरी हैं। नेक्स्ट है ये वाटर के मेटाबॉलिज्म के लिए हमारे जो है ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करते हैं, जो है वो है मिनरल्स। अब जो मिनरल्स हैं वो रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट्स हैं, एंजाइम सिस्टम्स हैं, उनकी रेगुलेशन में भी हमारे जो है वो हेल्पफुल है। फर्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर मिनरल्स में फर्स्ट आ गया हमारा कैल्शियम। जैसे हमें पता है कैल्शियम की कहां पर हमारे हेल्प करता है, बोन एंड टीथ में, बोन एंड टीथ की फॉर्मेशन के लिए हमें जो कैल्शियम है वो नेसेसरी है। कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट मेजर मिनरल एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी। इट कंसिस्ट 1.5 to 2% ऑफ बॉडी वेट, जो हमारा बॉडी वेट है उसमें 1.5 से लेकर 2% इसका कैल्शियम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है जो हमारा 98% ऑफ बॉडी कैल्शियम इज फॉर्म इन बोन्स, जो हमारा 98% जो कैल्शियम वो कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे बोन्स में। एंड द ब्लड कंटेन्स 10% जो हमारा कैल्शियम है वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। द टोटल कैल्शियम ऑफ द बॉडी इन इज अबाउट 150 ग्राम जो कैल्शियम है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन ब्लड एंड जो बोन्स होती हैं उनमें जो डायनामिक इक्विलिब्रियम का काम करता है, उसमें जो कोलेस्ट्रॉल, कोलेसेरोल, फेरियोल और जो हमारे पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं उनको मेंटेन करके रखता है, वो है कैल्शियम। फंक्शंस क्या है, इट इज एसेंशियल एंड मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बोन एंड टीथ। इट पार्टिसिपेट इन द क्लॉटिंग ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, इट इज हेल्पफुल इन द क्लॉटिंग फैक्टर्स। सेकंड, इट इज कंट्रोल द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स। अगर हमारे जो मसल्स में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्रैम्प्स, पेन होने लग जाते हैं, जो मसल्स की कंट्रोल उनकी कंट्रैक्शंस को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है, इट इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द रिदमिक एक्शन ऑफ हार्ट, जो हमारे हार्ट का रिदमिक एक्शन है उसको भी कंट्रोल करता है, उसको मेंटेन करके रखता है। जो हमारे बॉडी में कैपिलरी परमेबिलिटी है उसको कंट्रोल करता है कैल्शियम। और इट प्ले एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइट इनटू द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस इनटू रेटिना। अब जो हमारा विटामिन ए हमारी आईज है उसमें जो रेटिना तक जो लाइट पहुँचाता है उसका जो मेन उसमें हेल्पफुल होता है कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो इट इज एक्ट आइदर एज अ कोफैक्टर एंड इंक्रीज द एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम। एज अ कोफैक्टर काम करते हैं एंजाइम्स में, उनकी जो एक्टिविटीज है उनको इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट है जो नर्व इंपल्सिस है उसमें ट्रांसमिशन करते हैं, उसमें जो कैल्शियम है उसको वो इन्वॉल्व होता है। अब सोर्स मिल्क के मेजर सोर्स है हमारा कैल्शियम का, दूसरा मिल्क है उससे जो मिल्क के प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे मिल्क से जो प्रोडक्ट बनेंगे चीज, बटर, मिल्क, कर्ड आर द बेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम। नेचुरल सम फ्रूट्स जैसे सीताफल हो गया या फिर डेट्स, जो खजूर होती है वो, उसमें भी हमारा जो कैल्शियम है वो गुड अमाउंट में प्रेजेंट होता है। द अदर रिच सोर्स आर डार्क ग्रीन जो वेजिटेबल्स, मिलेट्स हो गए, ड्रिंकिंग वाटर आल्सो प्रोवाइडेड अप टू 200 mg ऑफ कैल्शियम पर डे। डेफिशिएंसी, अगर हमारी जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसमें क्या होता है, अंडर लो कैल्शियम इंटेक अपेरेंट डिजीज ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी क्या क्या होती है, पुअर बोन फॉर्मेशन एंड डेंटल कैरीज, डिसफंक्शंस ऑफ मसल।
dysfunction of muscle, poor bone formation and dental caries. ये हमारे जो है वो deficiency हो जाती है calcium से. अब इसमें daily requirement, जो daily requirement है हमारी वो है 1 ग्राम for both man और woman. 1 ग्राम जो हमें वो daily जो calcium की वो requirement है man and women में. Second इसमें जो children है उसमें 0.6 ग्राम एंड जो प्रेगनेंसी है प्रेग्नेंट लेडीज उसमें 1.0 ग्राम की रिक्वायरमेंट है डेली. सेकंड जो हमारा मेजर कंपाउंड है वो है फॉस्फोरस. सेकेंड जो मेजर एलिमेंट है हमारी बॉडी में वो है फॉस्फोरस. फॉस्फोरस पर क्या नेक्स्ट टू कैल्शियम के बाद क्या फॉस्फोरस है वो हमारा मेजर जो एलिमेंट्स है हमारी बॉडी में मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स है फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए. इसमें क्या तो बोन एंड टीथ में इसकी जो है 75% जो है वो टोटल फॉस्फोरस हमारी बॉडी में प्रेजेंट है. ये क्या करता है फॉर्मेशन ऑफ एंड देन 75% जो है वो हमारी बॉडी में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है. इसमें क्या नेक्स्ट है 25% या 75% है वो बोन एंड टीथ की फॉर्मेशन में प्रेजेंट होगा फॉस्फोरस. जो 25% हमारा फॉस्फोरस प्रेजेंट है वो वेरियस जो बॉडी के अदर पार्ट्स है उनमें प्रेजेंट होता है. अब सोर्स क्या है इसके मिल्क यीस्ट ड्राई फ्रूट्स हो गए ठीक है सोयाबीन कैरेट गुआवा डेट्स एक्सेट्रा. फंक्शंस क्या है ये एसेंशियल है हमारे जो ग्रोथ के लिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स को एक्टिवेट रखता है फॉस्फोरस. डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट रखता है बॉडी के लिए एसेंशियल डेवलपमेंट के लिए. ये जो हमारी फैट और शुगर है उसके मेटाबॉलिज्म में भी हेल्पफुल होता है फॉस्फोरस. सेकंड है ये ब्रेन और नर्व्स की जो फंक्शनिंग है उसके लिए एसेंशियल है हमारे बॉडी में फॉस्फोरस. ब्रेन एंड नर्व्स की जो है फंक्शनिंग के लिए डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है ड्यू टू वाइड स्प्रेड अकरेंस of phosphorus in food there is no evidence of deficiency in human except among human consume large amount of antacids. agar isme deficiency ke koi evidence nahi hai iski deficiency se but agar hum log zyada amount mein antacids lete hain to usme kya hota hai it interfere with phosphorus absorption. deficiency jaise weakening aur hame kuch symptoms nahi hai प्रॉपरली इसको स्प्रेड अगर ज़्यादा हो जाए तो इससे क्या होता है नो एविडेंस ऑफ डेफिशिएंसी ना ही कोई डेफिशिएंसी का इसका सिम्टम्स है हमारे पास एविडेंस है. बट मेनली जब हमारी बॉडी में वीकिंग बोन एंड टीथ ठीक है हो जाते हैं या फिर लूज वेट हो जाता है लूज एपेटाइट हो जाती है तो हम लोग उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी बॉडी में क्या फॉस्फोरस की कमी है. रिक्वायरमेंट क्या 1.5 ग्राम जो फॉस्फोरस है डेली हमें रूटीन में यूज करना चाहिए. नेक्स्ट वन है हमारे पास आयरन. नेक्स्ट
essential component है calcium phosphorus के. Next है जो है वो है iron. Iron क्या है? Iron एक क्या है हमारा important in human nutrition है. Total amount of iron pigments कितनी होती है adult में? 3 to 4 gram. और जो है which about 60 to 70% जो हमारा blood में present होते हैं hemoglobin में iron. And rest is present in myoglobin. और myoglobin में हम ये foam में rest करते हैं. And 5 to 15%. And ferritin 60 to 70% क्या है? Blood में hemoglobin 5 to 50% myoglobin. और जो उसके बाद है हमारा जो 5, 10 से लेके 15% फेरिटिन की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं. और 2% लेके एंजाइम की जो है उसमें आयरन प्रेजेंट होता है. एंजाइम्स की एक्टिविटीज में ही आयरन प्रेजेंट होता है. ठीक है, फंक्शंस क्या आयरन के? आयरन के फंक्शन हमें जैसे सबको नोन है. मेन आयरन का फंक्शन क्या? प्राइमरी फंक्शन ऑफ आयरन इज टू फॉर्म हीमोग्लोबिन. ब्लड की जो है हीमोग्लोबिन उसकी जो है उसमें प्रेजेंट होता है प्राइमरी फंक्शन. दूसरा, आयरन इज एसेंशियल है फॉर्मेशन एंड मालन्यूट्रिशन ऑफ जो आरबीसीज बनते हैं रेड ब्लड सेल्स उनकी फॉर्मेशन में और उनकी जो है आगे माल न्यूट्रिशन में जो है फॉर्मेशन माल न्यूट्रिशन जो मैट्रिशन है उसकी में हेल्प करता है आयरन. थर्ड है सेल की रेस्पिरेशन के लिए और ट्रांसपोर्ट को ऑक्सीजन और जो आरबीसीज है वो सेल को क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्रेजेंट करते हैं प्रोवाइड करवाते हैं और उनको क्या करते हैं? रेस्पिरेशन देते हैं. उसमें हेल्पफुल है आयरन. फोर्थ वन है आयरन जो ब्रेन की डेवलपमेंट में हेल्पफुल है फंक्शन में उसको बॉडी रेगुलेशन बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मसल्स की एक्टिविटीज के लिए जो आयरन वो इम्पोर्टेंट है. इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जो आयरन है वो इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट वन है जो आयरन इज अ कंपोनेंट ऑफ वेरियस एंजाइम सिस्टम. जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम सिस्टम्स हैं बॉडी में उनको उनके लिए जो आयरन है वो नेसेसरी है. अब आयरन की एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन लिखते हैं इसकी एब्जॉर्प्शन क्या है आयरन की? आयरन की एब्जॉर्प्शन है जैसे मेनली जो हमारा आयरन है वो अब्जॉर्ब किस में होता है? ड्यूओडेनम में एंड अपर स्मॉल इंटेस्टाइन. जो मेनली अब्जॉर्ब होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अपर स्मॉल इंटेस्टाइन और ड्यूओडेनम में अब्जॉर्ब होता है किस फॉर्म में? फेरस स्टेट में. जो स्कॉर्बिक एसिड है वो इन्हांस कर देता है इसकी इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को एंड जो है फॉस्फेट रिड्यूस एब्जॉर्प्शन. अब जो आयरन है उसकी जो है सोर्सेस क्या है? हमें कहाँ से मिलता है जो आयरन है? वो दो टाइप्स मिलते हैं, तो एनिमल्स एंड सेकेंड वेजिटेबल्स. Also promote the absorption of hemo non-hem ions. जो
वेजिटेबल है वो है ग्रीन, जो लीफी वेजिटेबल्स है उनमें फोम होते हैं, हमें नट्स से ऑयल सीड्स से अवेलेबल होता है, फ्रूट में अवेलेबल होता है जो हमारा आयरन है। अब इसके डेफिशिएंसी से क्या आता है, वीकनेस, ठीक है, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी से वीकनेस हो जाती है। जो हमारा रेड आरबीसीज है उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, उनके जो है ब्लड के उसमें कलर में चेंजेस होने लग जाते हैं, इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है हमारी, जो हमारे सेल्स हैं अगर वो रप्चर हो जाते हैं तो उसमें क्या है वो अगर आरबीसीज की कमी होगी वो द्वारा डेथ हो जाती है उनकी सेल्स की जो हमारी बॉडी में प्रेजेंस है, और उससे अगर सेल्स की डेथ होगी तो हमारे जो है फॉरन पार्टिकल्स हैं वो क्या इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं और हमारी बॉडी में इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे हमें डिफरेंट डिफरेंट जो डिजीज है उनके होने के चांसेस रहते हैं, और इवन पर्सन की जो है वो डेथ भी हो सकती है अगर उसकी बॉडी में ज़्यादा इन्फेक्शन क्रिएट हो जाएगा। डेली रिक्वायरमेंट क्या है, जो आयरन है, आयरन की डेली रिक्वायरमेंट है डाइट्री 1.0 mg पर kg, ठीक है, चिल्ड्रन एंड एडोल्सन, और आजकल 15 ईयर्स से जो ऊपर के पर्सन है उनमें 15 जो है रिक्वायरमेंट है 20 से 25 mg तक, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा जो है आयोडीन, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनमें आयरन की ज़्यादा जरूरत होती है, इसलिए उनको प्रेगनेंसी के टाइम में आयरन और कैल्शियम प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। जो छोटे इन्फेंट्स होते हैं उनमें भी आयरन की, ठीक है, चिल्ड्रन है उनमें भी आयरन की जरूरत होती है ताकि उनकी जो प्रॉपर है बॉडी का वो है डिवेलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है हमारा आयोडीन, आयोडीन क्या है, जैसे आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है वाइट, ठीक है, जो आयोडीन है वो हमारे जैसे किसमें प्रेजेंट होता है सॉल्ट में, ठीक है, कॉमनली आयोडीन क्या असेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, आयोडीन के असेंशियल माइक्रो, ये मेजर नहीं है, ये हमारा क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जो हमारा 50 mg जो आयोडीन इज प्रेजेंट इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी, इट इज प्रेजेंट इन एवरी जो लिविंग जो हमारे सेल्स है हमारी बॉडी में, हर एक में जो आयोडीन है वो प्रेजेंट होता है। फंक्शंस है आयोडीन की, पर फंक्शन किसमें फंक्शन करते हैं, थायराइड हॉर्मोन्स में, ठीक है, इसमें T1 और T2 जो सेल्स होते हैं थायराइड के वो डिवेलप करते हैं, वो बनाता है, एंड एसेंशियल देयरफॉर एसेंशियल फॉर नॉर्मल लाइफ। थायराइड को जो है उसकी फॉर्मेशन में जो आयोडीन है वो यूज होता है, सोर्स के इसके सी फूड, सॉल्ट, सी गिल्ड, सी फिश हो गया, सी सॉल्ट हो गए, कॉड लीवर ऑयल्स हो गया, ठीक है, ये सारे इसके जो आयोडीन के हैं वो सोर्सेज हैं। डेफिशिएंसी से जैसे गोइटर, हाइपोथायरॉइडिज्म, ठीक है, रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ, जो फिजिकल ग्रोथ है वो रुक जाती है, रिटार्डेड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है हमारे जो मेंटल फंक्शंस है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, मेंटली जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। रिक्वायरमेंट्स है इसकी 150 जो माइक्रोन है ग्राम पर डे हमें जरूरत होती है। अगर एक्स्ट्रा आयोडीन हमारी बॉडी में चला जाता है तो उससे रैपिडली ग्रोइंग हेयर्स ऑफ चाइल्ड, ठीक है, वो हमें किसमें चिल्ड्रंस में या फिर जो प्रेगनेंसी है उसके टाइम में उसकी जरूरत होती है एक्स्ट्रा आयोडीन की। नेक्स्ट है हमारा जो है फ्लोरीन, जो फ्लोरीन है वो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है। फ्लोरीन की जो हाईली रिएक्टिव होता है गैसेस फॉर्म में 96% जो है हमारा फ्लोरीन है वो बॉडी में प्रेजेंट होता है इन टीथ एंड बोन्स में। फंक्शंस क्या है इसके, फंक्शन है इट इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, बोन्स को नॉर्मली मिनरलाइजेशन करना। सेकंड,
जो है फॉर्मेशन करना, डेंटल जो इनेमल है उसके, सोर्स ड्रिंकिंग वाटर होता है, सम फूड्स जिसमें अवेलेबल होता है जैसे चीज, टी। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी से क्या होता है, हमारे टीथ डीकलरेशन हो जाते हैं, टीथ का कलर चेंज हो जाता है। हाई लेवल जो है लिगमेंट्स प्रेजेंट हो जाते हैं, टीथ एंड बोन में डेफिशिएंसी हो जाती है फ्लोरिन की। रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट है ड्रिंकिंग वाटर में हमारे इंडिया में वो कंप्लीट हो जाती है फ्लोरिन की, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा जिंक। जिंक क्या फॉर्म होता है, जो जिंक है वो क्या है, फॉर्म इन ऑल टिश्यूज इन प्रेसिस, जो है ऑल टिश्यूज है उनमें ट्रेस होता है जो जिंक है, ठीक है। जिंक में क्या है, ट्रेस एलिमेंट्स है। फंक्शंस क्या है जिंक के, इट इज यूज्ड इन 20 एंजाइम्स होते हैं। ए इंसुलिन की जो है सिंथेसाइज करता है इंसुलिन को पैंक्रियास के द्वारा। ये जो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए एसेंशियल है। सेकंड है उसमें इट इज नेसेसरी इन स्पर्म फॉर्मेशन, में इसकी जो जिंक की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सोर्स, जैसे इट इज फाउंड इन ट्रेसेस इन ऑर्डिनरी आर्टरी आर्टिकल ऑफ डाइट, जैसे सी फूड हो गया, मिल्क, ठीक है, ये इसके सोर्सेज है। डेफिशिएंसी से क्या होता है, इसकी रिटार्डेड ग्रोथ, ठीक है, मल्टीपल इन्फेक्शन, डिसऑर्डर इन टेस्ट, एनीमिया, सेक्सुअल इन्फर्टेशन, स्किन लेशंस एंड एलोपेसिया, ये इसके क्या है, डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीजेस है। नेक्स्ट है इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, जो पर फॉर मैन पर 12 mg पर डे, ठीक है, जो 12 mg वो तो वुमेन्स के लिए रिक्वायरमेंट है, और 15 mg जो है 15 mg वो मेंस के रिक्वायरमेंट है पर डे के लिए। नेक्स्ट है हमारा कॉपर। जो कॉपर है वो क्या है, हमारा नॉर्मल अडल्ट 100 mg कॉपर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। लीवर क्या मेन कॉपर को स्टोर करता है, लीवर जहां पर जो मेन कॉपर क्या है वो स्टोर होता है, इसकी स्टोरेज कहाँ पर होते हैं, लीवर में। इसके फंक्शंस क्या क्या है, बॉडी को एंजाइम्स को, ठीक है, फंक्शनिंग करता है प्रॉपर, इट इज फैसिलिटेट आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और ये क्या है हमारे जो आयरन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी इनकॉर्पोरेशन के लिए जो कॉपर है वो नेसेसरी है। सोर्सेज क्या है, प्लांट, वेजिटेबल, मिल्क, लीवर, ब्रेन टिश्यूज। डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, इसमें लॉन्ग टर्म चिलेटिंग एजेंट्स है वो हमें यूज करने पड़ते हैं। अगर हम लोग ज़्यादा टाइम तक चिलेटिंग एजेंट्स यूज करेंगे तो इसकी जो डेफिशिएंसी हो जाती है। रिक्वायरमेंट 2 mg पर डे में ही यूज करना। ये हमारा टॉपिक मिनरल्स वाला यहीं पर फिनिश हो गया।